हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पवन नागर और आज हम आपसे बात करेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। तो देखिए, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कीटोजेनेसिस के बारे में, कीटोजेनेसिस यानी कि कीटोन बॉडीज का सिंथेसिस। तो देखिए, हमने जो कीटोजेनेसिस का जो चार्ट बनाया था उसका मीनिंग क्या था, मतलब कीटोन बॉडीज कैसे बनते हैं। तो देखिए, अब हम इन कीटोन बॉडीज का यूटिलाइजेशन करना है, मतलब बॉडी इन कीटोन बॉडीज का यूटिलाइजेशन करेगी। तो देखिए, जो प्रोसेस हुआ था बनने का उसके जस्ट अपोजिट ही तो होगा, ओनली सम स्टेप्स में चेंज आएगा और सारे के सारे स्टेप्स यूटिलाइज जो कि सिंथेसिस वाली है उसी के तरह चलेगी। ओके, अब देखते हैं क्या डिफरेंस होगा। तो देखिए, हमारे बनाता क्या, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड। ओके, ये बनाता। ओके, ये कन्वर्ट होगा किसमें, ये कन्वर्ट होगा एसिटो एसिटेट में। देखिए, ये तीनों कीटोन बॉडीज थी ना, एसिटोन एसिटो एसिटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। ओके, तो क्या हुआ, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट किसमें चेंज हुआ, एसिटो एसिटेट में। ओके, हम यूटिलाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये चेंज हुआ एसिटो एसिटेट में। उसके बाद देखिए, एसिटो एसिटेट बना, अब इसका क्या होगा, एक्टिवेशन। एसिटोसिटेट कीटोन बॉडी है, इसका एक्टिवेशन होगा। एक्टिवेशन मतलब इसके अंदर हम ऐड करेंगे COA, तो मतलब इसका एक्टिवेशन के बाद क्या बनेगा, एसिटो एसिटाइल को एंजाइम ए। तो देखिए, सबसे पहली स्टेप ये होगी, इसके बाद क्या आएगा, इसका एक्टिवेशन करेंगे तो ये स्टेप आएगी। ओके, कौन सी, ये वाली स्टेप आएगी। तो एक्टिवेशन के बाद क्या हुआ, एसिटो एसिटाइल को एंजाइम ए बना। ओके, मतलब ये हुआ सबसे पहले, इससे ये बना, इसके बाद इससे ये बना। ओके, इससे ये बना, इसका एक्टिवेशन कर दिया एसिटो एसिटाइल कोए में। ओके, इसके बाद एसिटो एसिटाइल कोए कहाँ जाएगा, ये जाएगा क्रेब्स साइकिल में। तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेंगे हमारे टू एसिटाइल कोएंजाइम है। ओके, तो इससे टू एसिटाइल कोएंजाइम में बन गए। ओके, तो एसिटाइल कोएंजाइम में, इसके बाद ये कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल के अंदर। ओके, तो देखिए, जो भी मैंने यहाँ पे ये ब्लू कलर पेन से डिनोट किया है, ये सारा का सारा है टॉपिक ये वाला कौन सा, यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। ओके, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट बना। ओके, इससे बना एसिटोसिटेट का हम एक्टिवेशन करेंगे, एक्टिवेशन का मतलब ये बनेगा एसिटोसिटाइल कोएंजाइम है। ओके, मतलब COA जोड़ दिया, इससे ये बना, इससे ये बनने के बाद अब क्या होगा, इससे एसिटाइल कोए बनेगा और एसिटाइल कोए बनने के बाद ये जाएगा ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में। ओके, तो हो गया यूटिलाइजेशन। TCA इज द मेटाबॉलिक सिंक, मतलब किसी भी चीज को, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट हो या लिपिड हो, उसको ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड TCA साइकिल तो करवाना ही है। ओके, मतलब एग्जिट का गेट यही है, यहाँ हर कोई को आना है। ओके, तो यहाँ पे कीटोन बॉडीज भी आई। ओके, अब देखिए, 1 2 3 4 5 जो पांच नाम हमने यहाँ पे बताए थे, अब हम उनको थोड़ा सेपरेटली लिखेंगे। ओके, इसको, ये तो हो गया पोले वाला, अब थोड़ा इसको क्लियर करते हैं। तो क्लियर कुछ नहीं, अब हम सारा का सारा समझाने वाले हैं। देखिए, सब तो समझा लिया, लेकिन अब एक बार फ्लो चार्ट बना लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ओके, तो दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। ओके, दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। ओके, यहाँ पे बताया था हमने पहले, उसके बाद इससे क्या बनेगा, दिस इज कीटोन बॉडी, इससे नेक्स्ट कीटोन बॉडी बनी एसिटो एसिटेट। ओके, एसिटो एसिटेट बनी, अब इसका एक्टिवेशन होगा, एक्टिवेशन का मतलब एसिटाइल कोए जुड़ेगा इसमें। ओके, तो एसिटाइल को एंजाइम ए एक्टिवेशन हो गया, एक्टिवेशन के बाद क्या बनेगा, एसिटाइल को एंजाइम ए, इसके कितने बने, इसके बने दो मॉलिक्यूल, 2x मतलब दो मॉलिक्यूल। एसिटाइल को ए फिर देन कहाँ गया, ये गया हमारा ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में। ओके, तो इसका यूटिलाइजेशन हो गया। ओके, तो देखिए प्रोसेस क्या हुई, इससे ये बना। देखिए, हमने 1 2 3 4 एंड 5, ये पांचों नाम कहाँ से लिखे हैं, ये हमने पांचों नाम सिंथेसिस से ही लिखे हैं, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट एसिटो एसिटेट। तो देखिए, यही नाम है ये। ओके, देखिए, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट है ना, तो यहीं से लिखा ना, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट एसिटो एसिटेट एसिटाइल कोएंजाइम है। तो देखिए, ये रहा हमारा एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा एसिटाइल कोए। तो देखिए, एसिटाइल कोए बना दो मॉलिक्यूल, इसके बाद TCA साइकिल करवाया, तो TCA साइकिल यहाँ करवा दिया, मतलब डिक टू है,
आपको अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ओके तो ये तो हो गया हमारा फ्लो चार्ट। उसके बाद कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। फॉर्मेलिटीज क्या, वही हमारा सेकंड स्टेप कि आपको अगर हर एक के फॉर्मूले याद होंगे तो आपका पूरा साइकिल आपकी टिक्स पे होगा। ओके तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH CH2C डबल बॉन्ड OOH। इससे क्या आएगा OH, इसका इसमें क्या होगा, इसमें ओनली डिफरेंस होता है यहाँ पे सी डबल यहाँ ओ एच है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा सी डबल बोन ओ। ओके यहाँ पे क्या आएगा सी डबल बोन ओ ओनली, यहाँ पे इसी का डिफरेंस होता है। ओके इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आया असिटोसिटाइल, असिटाइल को ओ है तो कुछ नहीं, यहाँ ओ एच की जगह सी ओ ए एड करना है। ओके सॉरी यहाँ पे सी एस थ्री आएगा, सी एस थ्री सी सी एस टू सी ओ, और यहाँ पे क्या ऐड करना है एस सी ओ ए। ओके एस सी ओ ए ऐड करना है। ओके तो देखिए इससे इसमें क्या डिफरेंस हुआ, इससे इसमें डिफरेंस हुआ ओनली ये वाला। ओके उसके बाद एसिटाइल को इसका फॉर्मूला आप सबको पता होगा, इसका फॉर्मूला होता है सी एस थ्री सी डबल बोन ओ एस सी ओ ए, दिस इज द एसिटाइल को ए। ओके तो ये बन गया। उसके बाद देखते हैं इनमें नंबर ऑफ कार्बन के किसमें कितने कार्बन होते हैं। देखिए इसमें थे चार कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन देखने की जरूरत क्यों पड़ी कि कहीं हमें CO2 तो नहीं निकालना। इसमें भी चार कार्बन देखिए दिखा ना, 1 2 3 4 चार कार्बन, 1 2 3 4 चार कार्बन, 1 2 3 4 इसमें भी है चार कार्बन, बट इसमें कितने हैं दो कार्बन, इसीलिए तो दो मॉलिक्यूल निकले, 2 × 2 = 4। उसके बाद क्रेब्स साइकिल हो गया। ओके इसके बाद देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज फॉर दिस, इसमें है यहाँ पे थायोफोरेस, THIO4RASE थायोफोरेस क्या है, दिस इज द एंजाइम, एंजाइम क्यों, ये एसिटो एसिटेट को एक्टिव कराता है, एसिटो एसिटेट दिस इज कीटोन बॉडी, इसको एक्टिव फॉर्म में लाता है थायोफोरेज, और जो लीवर होता है लीवर में थायोफोरेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, इसीलिए लीवर कीटोन बॉडीज का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता। देखिए थायोफोरेस इसके लिए हम यहाँ से एक सेपरेट पॉइंट लिखे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जितने स्टार लगाने हैं इसके लिए लगा दीजिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है थायोफोरेस, यहाँ पे एस नहीं है, हमने इसके जस्ट बेसिक पहले वाली वीडियो में गलती कर दी थी, यहाँ पे हमने एस लिख दिया था, थायोफोसेस लिख दिया था, जबकि ये क्या है थायोफोरेस। देखिए बीटा कीटो असाइल को एंजाइम ए ट्रांसफरेज, या तो ये पूरा बोल दीजिए या बोल दीजिए थायोफोरेस, या बोल दीजिए थायोफोरेस। ओके इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात ये है कि सॉरी इन लीवर एब्सेंट, ये एंजाइम लीवर में एब्सेंट होता है, सो लीवर कैन नॉट यूटिलाइज कीटोन बॉडीज। ओके इसीलिए लीवर कीटोन बॉडीज का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता, ये करता क्या है, ये एसिटोसिटेट को एक्टिव फॉर्म में लाता है, कैसे लाता है COA को एड करके। ओके दिस इज एक्टिवेटर एक्टिवेटर, ओके दिस इज एक्टिवेटर, एक्टिवेटर क्यों, इसने यहाँ पे COA को एड किया, COA को एड किया। ओके इससे एसिटेट चेंज हुआ इसमें। ओके इसके बाद देखिए बीटा कीटो असाइल कोएंजाइम, ये कैसे, तो देखिए हमने यहाँ पे बताया था बीटा कीटो, देखिए दिस इज अल्फा कार्बन दिस इज बीटा कार्बन। ओके तो बीटा पे क्या है कीटो है, असाइल को है, असाइल को है ट्रांसफरेज, मतलब इसने बीटा कीटो एसिड पे ट्रांसफर किया COA का, और क्या बनाया असिटो असिटाइल कोए, मतलब ट्रांसफर किया ना COA का, ट्रांसफर किया COA ट्रांसफरेज, नाम क्या है यहाँ पे लिख रहा है ना COA ट्रांसफरेज, मतलब COA का ट्रांसफर किया किस पे, बीटा कीटो असाइल पे, दिस इज बीटा असाइल मतलब फैटी एसिड्स हुआ ना, बीटा कीटो असाइल पे COA का ट्रांसफर किया। ओके तो ये तो हो गया इसके बारे में, उसके बारे में सम पॉइंट्स यहाँ पे देख लीजिए। देखिए यहाँ इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है जबकि यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, मतलब हाइड्रोजन निकले मतलब NADH बना। ओके तो देखिए हाइड्रोजन निकले तो यहाँ NADH हमको बनाना पड़ेगा, दिस इज NADH बना NAD+ से, और यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हुई, यहाँ पे हुआ डी
डिहाइड्रोजिनेज क्या हुआ यहाँ पे, डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ने क्या किया, इससे हाइड्रोजन हटाए और किस में ऐड कर दिए, एनएडीएच में ऐड कर दिए और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ बन गया। ओके उसके बाद देखिए यहाँ पे भी एक एंजाइम होता है उसे बोलते हैं थायोलेज, THIOLASE थायोलेज एंजाइम होता है, जो कि आपने पढ़ा, पहले पढ़ा होगा, जहाँ पे भी एसिटोएसिटाइल को ए यहाँ बनता है थायोलेज होता है। ओके और देखिए इसमें भी COA ऐड होगा, कैसे देखिए यहाँ पे एसिटाइल को ए के दो मॉलिक्यूल हैं। ओके तो मतलब यहाँ पे दो COA हैं, जबकि यहाँ पे ओनली एक ही COA है। ओके यहाँ पे दो है क्यों, क्योंकि यहाँ एसिटाइल को ए दो है, जबकि यहाँ पे एक और है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो करने के लिए हमें एक और ऐड करना पड़ेगा ना। ओके तो यहाँ पे भी दो हो गए और यहाँ पे दो तो पहले ही थे। ओके तो दिस इज ऑल अबाउट द कीटोन यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडी। ओके अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।